नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है इस ऑनलाइन क्लासेस में। और साथियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीएड द्वितीय वर्ष को लेकर। और बीएड द्वितीय वर्ष के अंतर्गत आज का जो हमारा शिक्षण विषय है वह है हिंदी का शिक्षण शास्त्र को लेकर। और हिंदी का शिक्षण शास्त्र के अंतर्गत हम जिस इकाई के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं वह इकाई है द्वितीय, जो कि हिंदी भाषा शिक्षण की पाठ्यचर्या और सिद्धांत को लेकर है, हिंदी की पाठ्यचर्या एवं पाठ्य पुस्तक को लेकर है। और इस हिंदी की पाठ्यचर्या एवं पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत आज हम जिस वीडियो व्याख्यान में जिस प्रकरण को लेकर चर्चा करने वाले हैं वह प्रकरण है पाठ्यचर्या निर्माण के सिद्धांत को लेकर। पाठ्यचर्या निर्माण के सिद्धांत कौन कौन से होते हैं, उन सभी सिद्धांतों के बारे में हमने इससे पूर्व की वीडियो व्याख्यान में भी चर्चा की है। तो आइए साथियों, हम बढ़ते हैं अपने प्रकरण की ओर। तो साथियों, हमने इससे पूर्व के चार महत्वपूर्ण सिद्धांतों के बारे में इसकी पूर्व की वीडियो व्याख्यान में हमने चर्चा की है। उस शेष रहे बिंदुओं पर हम आज के इस व्याख्यान के माध्यम से चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो आइए साथियों, हम बढ़ते हैं अपने प्रकरण की ओर। पांचवा जो सिद्धांत है साथियों यहाँ पर वह है रुचि का सिद्धांत। साथियों, सभी सिद्धांत महत्वपूर्ण है लेकिन इस सिद्धांत का अपना एक विशेष महत्व है। वो साथियों इस प्रकार से है कि रुचि के अभाव में पाठ्यचर्या की शिक्षण प्रक्रिया व्यर्थ हो जाएगी। साथियों, सबसे बड़ी बात है कि जब हम पाठ्यचर्या का निर्माण करते हैं तो पाठ्यचर्या के निर्माण में सबसे पहले इस बात का विशेष ध्यान रखें कि हम जो पाठ्यचर्या का निर्माण करने जा रहे हैं क्या वे बालकों की रुचि के अनुकूल है अथवा नहीं है। और यदि है तो वो पाठ्यचर्या को बालक जल्दी से शीघ्र अधिगम कर सके, अन्यथा ये हो सकता है कि बालक उसमें रुचि न ले और पूरी संपूर्ण जो शिक्षण प्रक्रिया है वो व्यर्थ हो जाएगी और बालक सीख भी न पाएगी क्योंकि बालकों की उतनी रुचि नहीं है। सामान्यतः हम सभी जो व्यक्ति हैं हम उस काम को जल्दी सीख लेते हैं, उस काम को जल्दी कर लेते हैं जिस काम में हमारी रुचि होती है। और ऐसा काम हमको जो दिया जाए जिसमें हमारी रुचि नहीं है तो उस काम को करने में हम बड़ा ही अनमने ढंग से करेंगे, या लग रहा है कि अच्छा नहीं लग रहा है तभी काम करना पड़ेगा, बड़े ही बेम मन से करेंगे काम। लेकिन लगता है कि हमें ऐसा काम दिया जाए और हमारी उसमें बहुत रुचि है, उस काम को बहुत ही सीधा से और बहुत ही अच्छी तरीके से हम उस काम को पूर्ण कर सकते हैं। तो साथियों, बिल्कुल सत्य बात है कि बालकों के लिए भी पाठ्यचर्या के निर्माण में यदि उन बातों को समावेश किया जाए जो उनकी रुचि के अनुकूल हैं। बालकों की रुचि होती किसमें, खेलने में, खेल कूद में, मौज मस्ती में, ड्राइंग चित्र बनाने में, अपने खेल खेल प्रतिक्रिया करने में, इन सब में रुचि है। तो क्यों ना उस पाठ्यचर्या को खेल कूदों से संबंधित करके हम ऐसी पाठ्यचर्या का निर्माण करें। हम गणित जैसे विषय या ऐसे विषय को हम खेल के माध्यम से पढ़ाएं, या संख्या है संक्रिया है ऐसे विषय को भी हम कंकड़ पत्थर या छोटे छोटे खिलौनों के माध्यम से पढ़ाएं, रुपये या सिक्कों के बंडल नोटों के बंडल के माध्यम से पढ़ाएं, या हम छोटे छोटे कंकड़ पत्थरों का इस्तेमाल करें, लकड़ी की छोटे छोटे बंडलों का इस्तेमाल करें, या फिर हम सीखने के लिए पासे का उपयोग करें। और भाषा सिखा रहे हैं तो क्यों ना हम स्लाइड्स का उपयोग कर सकते हैं, हम कहानी या चित्र कहानी का उपयोग कर सकते हैं, हम उसमें किले सहायक सामग्री के माध्यम से हम उपयोग करते हुए जैसे फ्लेमर बोर्ड है या फिर हम मैसेज लेंटर्न है इस प्रकार के उपयोग करते हुए हिंदी भाषा को और अधिक रोचक बनाने का प्रयास करें। हम भाषा प्रयोगशाला का उपयोग कर सकते हैं तो हम भाषा का उपयोग करते हुए रुचि के बनाए, इसलिए पाठ्यचर्या के निर्माण में रुचि का स्थान करना बहुत ही आवश्यक है। उसके बाद है क्रियाशीलता का सिद्धांत। क्रियाशीलता के सिद्धांत में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है साथियों, विशेष सामग्री का चयन एवं क्रियाशीलता का ध्यान रखना चाहिए। विशेष सामग्री का चयन हम पाठ्यचर्या के लिए कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें इस बात का ध्यान रखना है कि बालक उस पाठ्यचर्या के निर्माण में क्रियाशील रहना चाहिए, क्योंकि जब तक बालक क्रियाशील रहेंगे तो उनका दिमाग उस पर लगा रहेगा। कहते हैं कि खाली मस्तिष्क से पान का घर होता है,
तो आदत से अंधा गलत तरह कहने की बात है, एक तकिया कलाम की तरह है, एक मुहावरे की तरह है। लेकिन जब बालक के पास कोई कार्य नहीं रहेगा तो वो निश्चित रूप से उदंडदार कुशालत में उतर जाएगा। तो क्यों ना हम ऐसी बात करें, ऐसी शिक्षण विधि का उपयोग करें जिससे बालक जैसे भी रहे, खेल खेलने में भी रहे, खेल के कारण उसमें रुचि भी रहे और पाठ्यचर्या के सिद्धांतों को उस पाठ्य सामग्री को अधिगम भी कर सके। तो ऐसी विधि का उपयोग करें तो उसमें क्रिया शीलता के सिद्धांत भी रहना चाहिए, विशेष सामग्री का सकते। लेकिन ध्यान रखना है कि क्रियाशील करने के चक्कर में जो सिखाई जाने वाली सामग्री है वह ऐसी ना हो कि पूर्णतया सैद्धांतिक बन जाए, पूर्णतया सैद्धांतिक बन जाए और वो सैद्धांतिक रहते हुए केवल थ्योरेटिकल रहते हुए वह सामग्री व्यवहारिक ना बन पाए। लेकिन हमें जो प्राथमिक या उच्च माध्यमिक स्तर पर बालकों को शिक्षण कार्य करवाना है तो हमें सैद्धांतिक से ज़्यादा व्यवहारिक नॉलेज में ध्यान देना होगा, तभी बालक एक व्यवहारिक ज्ञान को सीख पाएगा। वो प्राथमिक स्तर पर तो व्यवहारिक ज्ञान ही हमें देना है। तो इस बात का ध्यान रखें कि बालक को सच्ची शिक्षा उसके व्यवहारिक ज्ञान देने में कदा ध्यान दिया जाए बजाय सैद्धांतिक ज्ञान के। सैद्धांतिक ज्ञान को कुछ कक्षाओं में दिया जा सकता है लेकिन व्यवहारिक ज्ञान को उपेक्षित नहीं किया जा सकता। तो साथियों अगला जो यहाँ पर दिया गया है सिद्धांत पाठ्यचर्या के निर्माण को लेकर, वह सिद्धांत है जीवन से संबंध का सिद्धांत। अब जीवन से संबंध का सिद्धांत भी साथियों महत्वपूर्ण है। वो इस प्रकार से है कि बालक के वातावरण से संबंधित एवं खुद अनुभवों से परिपूर्ण होना चाहिए। जीवन से महत्वपूर्ण का सिद्धांत यह है कि बालक जब अपने घर के वातावरण से निकलकर पाठशाला के वातावरण में आता है, विद्यालय के वातावरण में आता है, तो वो घर का वातावरण और उस विद्यालय का वातावरण में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। तो साथियों उससे ये होता है कि बालक उस घर के वातावरण और विद्यालय के वातावरण में किस प्रकार सामंजस्य स्थापित करे। लेकिन सबसे बड़ी बात याद ये है साथियों कि वो सामंजस्य स्थापित कर सकता है, समायोजन कर सकता है, लेकिन यदि पाठ्य सामग्री निर्माण की जाए तो उसके अपने जीवन के अनुभवों को जोड़ते हुए, जैसा कि एनसी 2005 में डॉक्टर यशपाल की समिति द्वारा सिफारिश की गई है कि एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के तहत यदि हम उनका इस्तेमाल कर सकते हैं तो हमें बालक के जीवन को उसके बाहरी वातावरण से जोड़कर सिखाना चाहिए, जिससे ये लाभ होगा कि बालक अपने उस पाठ्य सामग्री में जो वर्णित है उसको अपने दैनिक जीवन से जोड़ते हुए पढ़ पाएगा और उस वातावरण से जोड़ते हुए उसे पढ़ पाएगा, ताकि बालक का जो एक व्यवहारिक ज्ञान और अपने जीवन से जोड़कर पढ़ते हुए दोनों ही बातें सीख पाएगा और बालक एक बाल केंद्रता की तरफ आगे बढ़ पाएगा। अब अगला जो सबसे सिद्धांत दिया गया है विभिन्न स्तरों की बाह्य चर्या से संबंधित, विभिन्न स्तरों की बाह्य चर्या से संबंधित। इसका मतलब जो तात्पर्य साथियों यह है कि हम जब विभिन्न जो बाह्य विभिन्न स्तर जैसे प्राथमिक स्तर, उच्च प्राथमिक स्तर और माध्यमिक स्तर, उच्च माध्यमिक स्तर, या यूँ कह सकते हैं कि स्नातक स्तर, उच्चतर कक्षाओं के स्तर भी कह सकते हैं, तो उन स्तरों तमाम सारे शैक्षणिक स्तरों को लेकर हम ये जान सकते हैं कि पाठ्यचर्या में हम शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, नैतिक और सामाजिक विकास को भी हम कर सकते हैं, विकसित कर सकते हैं। तो उन विकास को ध्यान में रखते हुए पाठ्यचर्या का निर्माण किया जाए। तो कैसे, प्राथमिक स्तर का जो बालक होता है जिसकी आयु 6 से 10 वर्ष के बीच होती है, तो ऐसे बालक के लिए हम क्या करें कि उसको खेल में रुचि है, कविताओं में रुचि है, पद्य में रुचि है, बाल गीतों में रुचि है, तो उसको ध्यान में रखते हुए उसकी रुचि में रखते हुए पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाए। लेकिन जैसे ही बालक उच्च प्राथमिक में आता है तो उसका ज्ञान थोड़ा भाषा की तरफ, कहानियों की तरफ होने लगता है, गद्य की तरफ होने लगता है। तो ऐसे बालक के लिए गद्य का इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक उसी प्रकार से जब बालक माध्यमिक स्तर में आता है तो उसकी जो अवस्था है वह किशोरावस्था कहते हैं, और किशोरावस्था में बालक में जो सामने की विकास होता है
जो इसकी इमोशन होते हैं वो वहाँ पर हार्मोनल भी उसमें इंक्रीज होने लगते हैं। तो ऐसे समय में बालक के लिए किस प्रकार की पाठ्य सामग्री का या जो कहें कि ऐसी उसमें राष्ट्रप्रेम की भावना भी लिप्त होने लगती है, तो उस प्रकार की जो पाठ्य सामग्री उसे दी जाए। उसके बाद में यदि बालक उच्च माध्यमिक स्तर पर आता है तो उसे सैद्धांतिक ज्ञान को थोड़ा थोड़ा दिया जाए और उसमें ये भी ध्यान रखा जाए कि गद्य पद्य या उसके साथ में अन्य प्रकार की व्याकरण की प्रकार के श्रेणियों को भी दिया जा सकता है। ठीक उसी प्रकार से बालक उच्च कक्षाओं में आता है तो उस विषय का विस्तृत रूप उसे पढ़ने के लिए दिया जा सकता है। तो इस प्रकार प्रत्येक जो स्तर है, प्राथमिक स्तर से उच्च प्राथमिक स्तर, उच्च प्राथमिक स्तर से माध्यमिक स्तर, माध्यमिक स्तर से उच्च माध्यमिक स्तर, ये पूरा एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। तो उसमें यदि हम माध्यमिक स्तर का बालक को ज्ञान दे रहे हैं या पाठ्यक्रम तैयार कर रहे हैं तो उसमें उच्च प्राथमिक स्तर का ज्ञान को भी ध्यान में रखा जाए और उच्च माध्यमिक स्तर के ज्ञान को भी ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाए। इसके बाद ये स्तरों को भी उसमें ध्यान दिया जा सकता है और पाठ्यचर्या का निर्माण करने से बालक हमेशा विकास की अवस्था को दिन प्रतिदिन प्राप्त करेगा। तो साथियों आज के इस वीडियो व्याख्यान में इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो व्याख्यान में। तब तक के लिए बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।